वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। और आज है आपका ट्रेड हीट इंजन, और हीट इंजन स्टार्ट हो गया आप लोगों का ट्रेड। तो जिसका भी हीट इंजन है आप लोग अच्छे से रेगुलर फॉलो करो, बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग मिस मत करना। ये है चैप्टर 1 हीट इंजन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज है आप लोगों के काम का ही होगा। फेसबुक पेज को लाइक कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन करके आपस में डिस्कशन करना, पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये सारा चीज करना। और कुछ पूछना होगा तो इस ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है। और देखो जैसे जैसे आप लोगों को बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे, क्योंकि देखो हीट इंजन जो है ना, हीट इंजन इसका सिलेबस, हीट इंजन का सिलेबस डीजीईटी के साइट पे नहीं है, डीजीईटी के साइट पे नहीं है। और काफी लोगों ने हीट इंजन सेलेक्ट किया है तो काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और यही रीजन है कि मैंने कुछ सोच समझ के ये ट्रेड स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले आप एक दो बात जान जाओ कि मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, और सिलेबस का लेक्चर भी है, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाना और वहां पे आप पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस देख लेना। और वो सिलेबस कहाँ से आया था, जब डीजीटी के साइट पे नहीं है तो कहाँ से सिलेबस आया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने जो एमटेक अपना किया था तो मेरा स्पेशलाइजेशन था थर्मल साइंस। मेरा स्पेशलाइजेशन क्या था, थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग। थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने एमटेक किया था और वहां पे मैं 10 पॉइंटर था, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो थर्मल साइंस था मेरा स्पेशलाइजेशन, और हीट इंजन जो है वो थर्मल साइंस में ही आता है। आरएसी जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थर्मल साइंस में ही आता है, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम आप लोग सुने होंगे, वो थर्मल साइंस में ही आता है। डीजल मैकेनिक्स का आप लोग नाम सुने होंगे, वो थर्मल साइंस में ही आता है। तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट ही है, ये हम लोगों का सब्जेक्ट ही है। तो हम लोगों को एग्जैक्ट आइडिया है कि बीटेक में क्या पढ़ना पड़ता है हीट इंजन में, डिप्लोमा में क्या पढ़ना पड़ता है, एमटेक में क्या पढ़ना पड़ता है, ये आइडिया हम लोगों को है, ओके। तो उसी बेसिस पे और दूसरा दूसरा जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चलता है वहां पे जो हीट इंजन सिलेबस में है तो वहां से सिलेबस मैंने निकाला और मैंने किया है तो मुझे पता है। तो सारा चीज कंबाइंड करके आप लोगों को एक फिक्स पार्टिकुलर सिलेबस को प्रोवाइड किया गया, और ये 100% बढ़िया सिलेबस है, टू द पॉइंट इसमें बात हुआ है। तो आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से फॉलो करो, रेगुलर फॉलो करो, आप लोग आराम से 35% का बैरियर जो है सो पार करोगे। और जितना मैं बताऊंगा, जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर आप लोग फॉलो करोगे हर एक लेक्चर, तो मेरे हिसाब से एक मीडियम या एवरेज स्टूडेंट भी 60+ स्कोर कर देगा, 60%+ स्कोर कर देगा। तो इतना सारा चीज था आपको इसके बारे में, ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपका, चैप्टर 1.1 है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं हीट इंजन एट एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चूंकि ये ट्रेड ही है हीट इंजन, तो सबसे पहले आप लोग ये तो जानो कि हीट इंजन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखो ये जो इंजन होता है ना, सबसे पहले आप देखो कि किसी भी टाइप का इंजन या मशीन जो हीट एनर्जी लेता है कहां से, कंबसन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल जो होता है आपका, कोयला कह सकते हो, पेट्रोल कह सकते हो, तेल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो आपका फ्यूल होता है। तो फ्यूल के कंबसन से जो हीट एनर्जी होता है उसका यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, पहले आप डेफिनेशन देखो कि एनी टाइप ऑफ इंजन और मशीन विच डिराइव्स हीट एनर्जी फ्रॉम द कंबसन ऑफ फ्यूल और एनी अदर सोर्स एंड कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इन टर्म्स एज हीट इंजन। इसको आप लोग कैसे समझोगे, तो देखो इस डायग्राम से आप समझो, ये करता क्या है, ये एक सेटअप है, तो ये एक सेटअप है, तो ये हीट इंजन है, ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि हीट को लेकर के और उस सिस्टम पे
हीट को लेकर के वो आपका वर्क में कन्वर्ट करेगा। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कि बॉयलर होता है और टरबाइन होता है, तो बॉयलर क्या करता है, बॉयलर में कोल के हेल्प से जो है सो कोल को बर्न करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं, और उस हीट से क्या करते हैं, वाटर से स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम से क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, और उस टरबाइन घुमाते हैं तो क्या होता है, वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है, और जब जनरेटर से कनेक्ट होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलता है। तो आप क्या समझे, टरबाइन क्या किया, टरबाइन आपका मैकेनिकल एनर्जी दिया, और उसी मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके जनरेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। मतलब देखो कहां कोयला था, कहां कोयला जला रहे थे, और कहां आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। तो ये फंडा होता है हीट इंजन का। ओके, तो यह एक मशीन है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यह एक मशीन है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हीट इंजन इज अ मशीन। क्या है, मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट, या आप ऐसे कह सकते हो डेवलप्ड बाय बर्निंग द फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क। मतलब आप क्या समझे कि हीट इंजन क्या है, एक मशीन है जो फ्यूल को जलाने से जो हीट डेवलप होता है उसको कन्वर्ट करता है एक यूजफुल वर्क में। तो ये फंडा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो चीज देखो, ये सोर्स क्या होता है, तो ये आपका हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, मतलब इसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है। ओके, और ये सिंक, तो आप लोग देखो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि सोर्स का मतलब क्या होता है और सिंक का मतलब क्या होता है, तो ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। मतलब सिंक का टेम्परेचर कम होता है और सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है हाई टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर लो होता है, और ये सिस्टम हीट इंजन है, और इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स से आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है सोर्स, क्या होता है सिंक, क्या होता है हीट इंजन। चलो अब क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग बात करो थोड़ा सा, कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन क्या है। हीट इंजन तो आप लोग जान गए कि यह क्या करता है, कोई भी फ्यूल को जलाने से जो हीट एनर्जी आता है उस हीट एनर्जी को ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो क्लासिफिकेशन जो है सो क्लासिफाइड करने का, हीट इंजन को क्लासिफाइड करने का बहुत सारा वे होता है। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूं, बेस्ड ऑन कंबसन ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन होता है, ईंधन। ये कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन कंबसन ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल के कंबसन के आधार पे इसको कैसे बांटते हैं, तो इसको बांटते हैं एक एक्सटर्नल कंबसन, ठीक है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन आप कह सकते हो क्योंकि हीट इंजन है, तो इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक इंटरनल कंबसन इंजन। तो अभी सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, फिर इसके बारे में एक एक करके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। चलो दूसरा, ये क्लासिफिकेशन था आपका फ्यूल के बेसिस पे। अब बात करते हैं किसके बेसिस पे, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूल के बेसिस पे। मतलब ये फ्यूल के बेसिस पे था कि अंदर जलेगा कि बाहर जलेगा, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है बाहर, इंटरनल मतलब क्या होता है अंदर। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, मतलब बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो देखो टाइप्स ऑफ फ्यूल में क्या क्या आ जाएगा, एक डीजल का नाम आप लोग सुने होंगे, पेट्रोल का नाम आप लोग सुने होंगे, गैस का नाम आप लोग सुने होंगे। तो डीजल इंजन हो गया आपका, एक हो गया आपका पेट्रोल इंजन, उसके बाद आपका एक हो गया आपका गैस इंजन। क्या हो गया, गैस इंजन। तो इसको आप लोग मजाक में मत लेना, एग्जाम में आ सकता है कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, ये सब क्या होता है, डीजल क्या है, पेट्रोल क्या है, गैस क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया, ये सारा चीज
आप लोग जो है सो अच्छे से क्लियर करना। ओके चलो आगे बात करते हैं। दूसरा टैक्स वर्किंग साइकिल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, वर्किंग साइकिल मतलब बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। अब बताओ साइकिल आप लोग सुने होंगे क्या होता है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। तो ये होता है आपका, ये करो वन करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, टू स्ट्रोक इंजन। ओके इंजन, और एक होता है आपका फोर स्ट्रोक। और ये सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा गारंटी नंबर लाओगे। चलो चौथा टाइप्स देख लेते हैं, ये है आपका बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल। क्या है इग्निशन, बेस्ड ऑन इग्निशन, इग्निशन ऑफ फ्यूल। अब ये क्या होता है इग्निशन ऑफ फ्यूल, तो आप लोगों ने सुना होगा स्पार्क इग्निशन सुना होगा, कंप्रेशन इग्निशन सुना होगा, तो बस वही है स्पार्क इग्निशन। जैसे कि बाइक होता है सेल्फ मारते हो, क्या होता है स्पार्क करके इंजन स्टार्ट हो जाता है, बाइक आपका स्टार्ट हो जाता है। तो पेट्रोल बाइक में क्या भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं, तो पेट्रोल क्या है स्पार्क इंजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हो पेट्रोल यूज होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में, ऐसे करके समझ सकते हो। तो स्पार्क इग्निशन इंजन मैं कैसे समझाया आपको बताओ, गाड़ी में सेल्फ मारते हो, बाइक में सेल्फ मारते हो, स्पार्क प्लग आप लोग सुने होंगे कि स्पार्क प्लग होता है बाइक में, सुने होंगे आप ये भी सुने होंगे कार्बोरेटर होता है बाइक में। तो ये कार्बोरेटर ये स्पार्क प्लग ये सब जैसे ही आए तो आप लोग समझ जाना कि पेट्रोल इंजन का बारे में बात कर रहे हैं, और स्पार्क इग्निशन इंजन को पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। ओके इसको पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं और इसको कार्बोरेटर टाइप इंजन भी बोलते हैं, कार्बोरेटर टाइप इंजन भी बोलते हैं। आपको सारा फंडा समझ में आना चाहिए कि स्पार्क इग्निशन इंजन को ही पेट्रोल इंजन बोलते हैं, स्पार्क इंजन को ही कार्बोरेटर टाइप इंजन बोलते हैं। और एक और टाइप आपका बच गया, आप लोग कॉमन सेंस पे बता सकते हो, क्या डीजल इंजन। अब डीजल इंजन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और क्या बोलते हैं इंजेक्टर टाइप। अब देखो इससे आप लोग क्या समझोगे, इंजेक्टर टाइप और डीजल इंजन। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगे। एक बार रिपीट करो, स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर टाइप इंजन तीनों सेम होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इंजेक्टर टाइप इंजन और डीजल इंजन तीनों सेम होता है, और स्पार्क इग्निशन को ही शॉर्टकट में कहते हैं एसआई इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को ही बोलते हैं CI इंजन। तो यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन आपको बन गया आपको पता भी नहीं है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है या इंजेक्टर यूज होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है या इंजेक्टर यूज होता है, कार्बोरेटर यूज होता है। पेट्रोल इंजन किस टाइप का इंजन है, SI इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में इंजेक्टर यूज होता है। हर एक लाइन पे गौर करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके चलो अब बात करते हैं टाइप वन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल कम्बसन इंजन और इंटरनल कम्बसन इंजन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कि बेस्ड ऑन कम्बसन ऑफ फ्यूल। तो कम्बसन ऑफ फ्यूल जो होता है वो अंदर होगा तो क्या होगा और बाहर होगा तो क्या होगा, तो आप इसको ऐसे समझो कि बेस्ड ऑन कम्बसन ऑफ फ्यूल पे हम लोग बात किए थे एक्सटर्नल कम्बसन इंजन का और इंटरनल कम्बसन इंजन का। एक्सटर्नल कम्बसन इंजन का बात किए थे और एक बात किए थे हम लोग इंटरनल कम्बसन इंजन का। अब एक बात आप लोग ध्यान देना, इसी को बोलते हैं आईसी इंजन। तो आप लोग क्या सीखे, आईसी इंजन का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए,
SI इंजन का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और CI इंजन का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। IC इंजन इंटरनल कंबसन इंजन, SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, SI में I क्या है, इग्निशन, CI इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें क्या होता है यूज, इंजेक्टर, क्या होता है यूज, इंजेक्टर। इसमें क्या होता है, कार्बोरेटर, क्या होता है, कार्बोरेटर। ये फंडा समझना। इसमें पेट्रोल, पेट्रोल का कंसेप्ट आता है। इसमें किसका कंसेप्ट आता है, इसमें कंसेप्ट आता है आपका डीजल का। तो इस लाइन को नोट करके आप लोग अच्छे से लिखो, सारे का फुल फॉर्म याद रखना, किसमें क्या यूज करते हैं वो याद रखना, ठीक है। अब हम लोग एक्सटर्नल कंबसन इंजन और इंटरनल कंबसन इंजन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इंटरनल कंबसन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या होता है, तो नाम से पकड़ने का कोशिश करो। सबसे पहली बात कि ये IC इंजन है, ओके। अब नाम से पकड़ने का कोशिश करो, इंटरनल कंबसन मतलब कंबसन कहाँ पे हो रहा है, अंदर में हो रहा है। इन एन इंटरनल कंबसन इंजन द वर्किंग फ्लूइड कंसिस्ट्स ऑफ अ कंबस्टिबल फ्लूइड प्लेस्ड इनसाइड अ सिलेंडर। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि इंटरनल कंबसन इंजन में फ्यूल का कंबसन कहाँ पे होता है, तो इनसाइड द सिलेंडर होता है। दीज इंजन द फ्लूइड अंडरगोज कंबसन इनसाइड द सिलेंडर, है ना। तो फ्यूल का कंबसन कहाँ पे होता है, तो सिलेंडर के अंदर होता है। और एक्सटर्नल कंबसन में कहाँ पे होगा, तो सिलेंडर के बाहर होगा। इन एन एक्सटर्नल कंबसन इंजन द कंबसन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर, द कंबसन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। मैं एक ही बात पे बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो आप लोग इसको याद रखना। एक्सटर्नल कंबसन इंजन में कंबसन कहाँ पे होगा, आउटसाइड द सिलेंडर, और इंटरनल कंबसन इंजन में कंबसन कहाँ पे होगा, इनसाइड द सिलेंडर, ओके। हीट इंजन देन नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द सिलेंडर वेयर वर्क इज डन। स्टीम इंजन आर एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबसन इंजन। अब देखो, ये स्टीम इंजन क्या होता है, आर एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबसन इंजन। तो एक बॉयलर होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक बॉयलर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोयला जलता है और कोयला के आग से पानी को भाप में बनाया जाता है, मतलब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, और उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। टरबाइन जब रोटेट होता है तो टरबाइन के साथ से जनरेटर, टरबाइन के साथ से क्या होता है, जनरेटर कनेक्टेड रहता है, और फिर जनरेटर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इतना सिस्टम को आप देखो, यहाँ तक आप देखो, जनरेटर को छोड़ दो, यहाँ तक आप देखो, यहाँ हीट एनर्जी था, यहाँ बॉयलर में हीट एनर्जी था, और यहाँ टरबाइन घूम रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। तो ये हीट इंजन का उदाहरण है, ये क्या है, हीट इंजन का उदाहरण है, मतलब टरबाइन आप कह सकते हो कि हीट इंजन का उदाहरण है। ये क्या क्या, हीट एनर्जी लिया और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा और अंदाजा लगाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन जो मेरा आप देखते होगे, तो प्रेजेंटेशन देख करके आपको समझ में आ जाता होगा कि थोड़ा सा मेहनत किया गया है, आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाओ। देखो, पिक्टोरियल व्यू होता है तो ज्यादा समझ में आता है। एक्सटर्नल कंबसन, एक्सटर्नल कंबसन मतलब क्या, सिलेंडर के बाहर कंबसन। देखो, यहाँ पे कंबसन हो रहा है, यहाँ पे आग आया, इस आग को हम लोग धीरे धीरे लेकर के पाइप के सहारे यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए। अब मान लो ये एयर है, एयर गर्म हुआ, ये एयर प्रेशर राइज किया, और प्रेशर से ये पिस्टन, देखो ध्यान से आप ऐसे समझोगे तब समझ में आपको आएगा। ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है, ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और इस पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग शाफ्ट अटैच्ड रहता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे देखो कि एक्सटर्नल कंबसन में क्या है कि सिलेंडर के बाहर कंबसन हो रहा है, और इंटरनल कंबसन में क्या है कि सिलेंडर के अंदर ही कंबसन हो रहा है। तो एक चीज आप खुद बताओ कि बाहर में कंबसन हो रहा है तो आप कंट्रोल करके जितना मन होगा उतना आग आप भेजोगे अंदर, उतना हीट आप अंदर भेजोगे। ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, इन योर हैंड, ठीक है। आप जैसे चाहोगे वैसे करोगे, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आराम से होता है।
थोड़ा सा शांत होता है, लेस नॉइजी होता है, ठीक है, लेस नॉइजी होता है। लेकिन इसमें देखो आप, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर कंबसन होता है, तो ये काफी ज्यादा नॉइजी होता है, इसमें शोर शराबा आवाज काफी ज्यादा होता है, इसीलिए बाइक वगैरह में आप देखते होगे, ठीक है, बाइक वगैरह में आप देखते होगे कि कितना आवाज करता है, जिसकी वजह से साइलेंसर लगाया जाता है। तो ये फंडा समझ गए आप लोग। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखो, जो मैंने अभी बोला उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, अच्छे से नोट्स बना लोगे या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो आप लोगों को फायदा होगा। डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड एक्सटर्नल कंबसन इंजन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, धीरे धीरे लेकर के चलूंगा आगे, और इतना अच्छा से लेकर के चलूंगा कि कुछ भी नहीं छोड़ोगे, और लाना है मात्र 35%, और मैं तो कह रहा हूँ 60-70-80% आप स्कोर करोगे। एक्सटर्नल कंबसन इंजन रन स्मूथली, अभी आपको बताए थे क्यों, क्यों स्मूथली रन करेगा, क्योंकि आग बाहर में है तो आप उसको कंट्रोल करके अंदर भेज सकते हो। एक्सटर्नल कंबसन इंजन रन स्मूथली एंड साइलेंटली वेयर इंटरनल कंबसन इंजन आर वेरी नॉइजी, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर में है, अंदर में बर्न कर रहा है, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नॉइज प्रोड्यूस फ्रॉम कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन, ये नॉइज कहाँ से आता है, तो वही अंदर में जो एक्सप्लोजन हो रहा है, कंटिन्यू लगातार जल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है, उसकी वजह से। वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, अब ध्यान देखो, वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एक्सटर्नल कंबसन इज लो, सिंपल सा बात है, टेम्परेचर लो है क्योंकि जला रहे हैं यहाँ, ला रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा सा लॉस भी होगा और हम लोग कंट्रोल करके भी भेजेंगे, तो लो होगा, लो होगा कंबसन भी, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, लेकिन ये तो अंदर में डायरेक्ट आप जला रहे हो, तो डायरेक्ट जलाओगे तो टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी हाई होगा, और इसी हाई प्रेशर की वजह से ये नॉइजी होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉइजी होने का एक रीजन क्या है, तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो इसको भी आप लोग समझ जाना। एक्सटर्नल कंबसन इंजन का एफिशिएंसी लो होता है, आईसी इंजन का हाई होता है, कॉमन सेंस लगाओ, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। ज्यादा टेम्परेचर किसमें था बताओ, ज्यादा टेम्परेचर था इंटरनल कंबसन इंजन में, तो जब ज्यादा टेम्परेचर इंटरनल कंबसन इंजन में था तो सिंपल सा बात है कि ज्यादा हीट एनर्जी होगा, और ज्यादा हीट एनर्जी होगा तो ज्यादा मैकेनिकल वर्क होगा, और ज्यादा मैकेनिकल वर्क होगा तो ज्यादा एफिशिएंसी होगा, मतलब समझे क्या बोले हम, मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आईसी इंजन में ज्यादा टेम्परेचर था तो आईसी इंजन का एफिशिएंसी ज्यादा है, ओके, और एक्सटर्नल कंबसन इंजन का कम टेम्परेचर था तो इसका एफिशिएंसी कम है, और रेंज भी आप लोग याद रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे नहीं भी याद रहेगा तो डोंट वरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो वहां पे ये सब क्वेश्चन बार बार आएगा, बहुत बार आएगा। एन एक्सटर्नल कंबसन इंजन रिक्वायर्स अ बॉयलर, अभी आपको बताए थे कि बॉयलर में क्या करते हैं, कोयला जला करके उसके आग से जो है, उसके हीट से जो है, सो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम को पाइप के थ्रू भेजते हैं टरबाइन के पास, और उससे टरबाइन रोटेट करता है, और टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर अटैच्ड रहता है, और उसके बाद जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये सारा फंडा आपको बताए थे। तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन में क्या होता है, बॉयलर होता है एंड अदर कंपोनेंट्स टू ट्रांसफर एनर्जी, और अदर कंपोनेंट जैसे कि पाइप होगा, कुछ और होगा, दस इट इज अ हैवी इंजन, इसीलिए ये हैवी इंजन होता है और ये ज्यादा एरिया भी लेता है। ये जैसे आप थर्मल पावर प्लांट देखना कितना सारा एकड़ में रहता है, तो ये एरिया भी लेता है, ऐसा लगेगा आधा किलोमीटर दूर बॉयलर है, आधा किलोमीटर दूर टरबाइन है, ठीक है, दो किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, इस तरह से होता है थर्मल पावर प्लांट में। अगर आप लोग जा करके देखोगे, जैसे कि मैंने विजिट किया था 21 डेज के लिए, तो मैंने देखा था एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, तो वहां पे इसी तरह से होता है। और आईसी इंजन क्या होता है, ये एक एक ही जगह पे सिलेंडर के अंदर ही हो जाता है सारा चीज, आग जलाते हैं, हीट एनर्जी निकलता है, उसी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या, कम एरिया लेता है, लेस एरिया लेता है,
लेस एरिया लेगा, ये लार्ज एरिया लेगा, लार्ज एरिया। तो ये फंडा समझ में आ गया। चारों पॉइंट को आप लोग बार बार देखो तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, मजाक नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है सिर्फ लेक्चर नंबर 1.1 में। यहाँ पे एक मोटा मोटी ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूँ, ताकि आपको एक होता है ना क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस हीट इंजन सिलेबस में क्या क्या चीज से आपका पाला पड़ने वाला है। तो हीट इंजन, हीट इंजन दो टाइप, इंटरनल कम्बसन और एक्सटर्नल कम्बसन हम लोग अभी पढ़े। अब इंटरनल कम्बसन में भी रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है और रोटरी टाइप होता है। अब आप बोलोगे रेसिप्रोकेटिंग टाइप क्या होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप में पिस्टन इस तरह से मूव करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से, ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो गया और ये रोटरी टाइप हो गया। अब आप देखो रेसिप्रोकेटिंग टाइप में आ जाओ, तो अभी हम लोग पढ़े स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है बताओ, रिविजन करो, इंजेक्टर होता है और ये डीजल इंजन का एग्जाम्पल है। स्पार्क इग्निशन में क्या होता है, कार्बोरेटर होता है और ये पेट्रोल इंजन का एग्जाम्पल है। अब आप देखो, अभी मैंने बोला आपको याद भी हो गया, और आप यहाँ पे देखो कंप्रेशन इग्निशन में डीजल इंजन है ना, जो मैंने बोला, स्पार्क इग्निशन में पेट्रोल इंजन है ना, ठीक है, और गैस इंजन भी होता है, बट मेन आंसर ये होगा। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, याद रखना हमेशा ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों इंजन के लिए होता है। पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों के लिए होता है। तो हम लोगों का टॉपिक अभी रेसिप्रोकेटिंग टाइप पढ़ना है, स्पार्क इग्निशन पढ़ना है, कंप्रेशन इग्निशन पढ़ना है, डीजल इंजन पढ़ना है, पेट्रोल इंजन पढ़ना है, गैस इंजन पढ़ना है, 4 स्ट्रोक पढ़ना है, 2 स्ट्रोक पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल पढ़ना है, ठीक है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेफ्टी एंड मेजरमेंट, ये तीनों चैप्टर जितना भी ट्रेड है ELP में या टेक्नीशियन के लिए, सारे ट्रेड वालों को पढ़ना है, क्योंकि ये पोस्ट ही है टेक्नीशियन। आप लोग मैकेनिक बनोगे तो आप लोगों को सेफ्टी पर्पस जानना ही पड़ेगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए रेलवे ने क्या किया है, तीनों सिलेबस जो है, तीनों चैप्टर सारे सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। आप देखना DGT साइट का पे जाकर के सारे सिलेबस को खोलना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो ज्यादा हो आपको दिख जाएगा, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट भी और बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। वेट करो आप लोग चैप्टर नंबर 1.2 का, और जितना भी फ्रेंड को आप जानते हो जो हीट इंजन लिया है, न तो सिलेबस अवेलेबल है और न तो YouTube पे लेक्चर अवेलेबल है, तो आप लोग देखो, शेयर करो, थोड़ा सा फ्रेंड्स को बताओ। और एक खुशी की बात है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है अपना अनलिमिटेड एजुकेशन का, वो गूगल सर्च में सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले। लिख करके देखो आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर ELP गूगल पे, सबसे पहले हम लोगों का आएगा, तो ये मामूली बात नहीं है। ओके, चलो आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, एक दो क्वेश्चन आप लोग और देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, बस आप, मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन डाल दिया हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ जो पढ़े हैं वो काम कर रहा है। हीट इंजन क्या यूज करता है, तो हीट इंजन जो है थर्मल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क देता है, तो आंसर होगा थर्मल एनर्जी। उसी तरह से हीट इंजन जो है, सो हीट इंजन को किस में कन्वर्ट करता है बताओ, तो हीट इंजन को वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। ये सब तो आपको याद हो गया होगा, देखो मेरे बोलने से मेरे पढ़ाने से यही फायदा होता है कि आपको ये सब याद हो गया। स्टीम इंजन, अब स्टीम इंजन अभी आप लोगों को बताए थे, बॉयलर होता है, कोयला जलाते हैं, वहां से क्या होता है कि उस हीट से स्टीम बनता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो स्टीम जाता है, टर्बाइन घुमाता है, सारा चीज आपको बोले थे। थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताए थे, वहां पे स्टीम इंजन होता है। तो ये एक्सटर्नल कम्बसन इंजन होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल कम्बसन इंजन होता है। तो ये फंडा समझ में आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन जस्ट एक ओवरव्यू था, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो। थैंक यू।